बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं। तो फ्रूट ट्राइफल के लिए सबसे पहले केक बनाने का आपको तरीका बता दूं। हालांकि यकीन करें, मैं ये कहने लगी थी कि मैंने आपको केक पहले से बनाना सिखा चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वो लिंक डाल दूंगी जिसमें मैंने केक बनाना सिखाया। मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं ऐसा करूं। मैंने कहा नहीं, फिर प्रॉपर शुरू से शुरू करते हैं कि केक के बाद फिर हम फ्रूट ट्राइफल का जब स्टार्ट करेंगे कि जिसमें वो क्या कहते हैं, कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स करके चीनी डाल के और फ्रूट वगैरह डाल के हम जब बनाएंगे कंप्लीट केक के पीसेस डालकर बनाएंगे तो वो कंप्लीट तैयार होगा। तो मैं ये कह सकती थी कि मैंने केक बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं अभी बनाने लगी, मैंने कहा नहीं, ये भी वीडियो जो है ना अपलोड करवा दूँ। ठीक है, केक के लिए हमने 100 ग्राम जो है मक्खन लिया है, तो 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मैदा, 3 अंडे। ये आपको तकरीबन मैं हर रेसिपी में बताती हूँ कि इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मैदे को मैंने छान लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, बल्कि 1.5 डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 से 1.5 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, चीनी और मक्खन को बीट करके इसको पहले इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए ये चीनी और मक्खन को मिक्स कर रही हूँ इन दोनों को, कि जब हम बीटर चलाएंगे तो वो चीनी जो है ना वो उड़ती है। तो ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए, तमाम जो है ना मैंने चीनी और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि ये उड़े ना। अब थोड़ा शोर होगा तो मैं आपको पहले से बता दूँ कि जो है मैं बीट करने लगी हूँ। ओवन को मैंने 180 पर प्री हीट रखा हुआ है। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके वो जो मैदा जो है वो छिड़क लिया है। ये देखिए, मोल्ड तैयार है, ये साइड पे रखा हुआ है। दूसरा मोल्ड लेने लगी थी वो चकोर वाला, वो मैंने कहा चलो यही सही है, हमने तो फ्रूट ट्राइफल बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं बीट करूँ। करने के बाद फिर अंडे ऐड करके उसमें फिर ये मैदा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं, आज मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी शुरू से? पता नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या सी? पता नहीं। मक्खन और चीनी को मैंने मिक्स किया है क्योंकि चीनी हमने जो है वो कैस्टर शुगर नहीं ली, मैंने खुद ही कैस्टर शुगर नहीं ली क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना था इसमें। मैंने यूज़ किया आइसिंग शुगर, पीसी भी चीनी यूज़ की। ठीक है, अब हम इसमें 3 अंडे डालकर मिक्स करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा भी डाल दिया, मैदा डाल के कम से कम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर इसको बीटर को थोड़ा चलाएंगे। अच्छा, ये बेकिंग टाइम मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि बेकिंग टाइम क्या होता है। बेकिंग टाइम ये होता है कि 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर ये केक तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो अगर आधे घंटे में अगर आप चेक करना चाहें कि केक कितना बना है, तो उसमें टूथपिक दरमियान से डाल के ना आप, अगर टूथपिक बिल्कुल साफ़ आए तो समझ लें केक आपका तैयार हो गया। अगर टूथपिक को केक लगा हुआ आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा, छुरी कांटे या किसी भी चीज़ से आप, नोकदार चीज़ से आप अंदर केक को बने हुए को अंदर डाल के चेक करें, अगर केक लगा हुआ आया है तो समझ लो कच्चा है, तो फिर उसको 5-10 मिनट फिर और बेक करने का छोड़ दीजिएगा। और अगर साफ़ आए तो समझ लीजिएगा कि केक आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा बीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, चंद कतरे हम वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे इसमें, बंद भी हो जाएगा। रवा हो गया ढक्कन है ना, फिर दे जा रहे। अम्मी अरबी बना रहे नहीं? अच्छा, बाहर छेद देती अम्मी दे, नाल नाल सूरत पढ़ते पहले, नाल नाल अरबी बना रहे। आवाज़ आ रही है? अच्छा, मोल्ड में मैं केक का मेज़र डाल के आपको बता दूँ, ओवन को मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है, तकरीबन 15 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, मुझे फ्रूट ट्राइफल बनाना है। केक मैं बाज़ार से ले आती तो सही था, उसमें ज़रा जल्दी बन जाना था, लेकिन मैंने कहा दिल ही नहीं किया बाज़ार का खाने को, जब आता है बनाना तो क्यों ना घर में बनाया जाए। जब से मैंने बेकिंग या कोई काम जैसे होता है ना, कुकिंग तो माशाल्लाह बचपन से ही आती थी, लेकिन बेकिंग का मैंने कोर्स किया और दूसरे कोर्सेज भी किए, जब चाइनीज़ वगैरह और इंटरनेशनल
जो खाने बनाने की सारी चीज़ें मैंने सीखी ना, तो फिर दिल ही नहीं चाहता कि ना बाहर का खाने को दिल चाहता है ना बाहर की बेकिंग के आइटम खाने को दिल चाहता है। घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना लेती हूँ। चले बेक करने जाते, तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। जब हमने केक बनाया था तो मैं आपको उठा के बता देती हूँ उससे ना। ये देखिए केक तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, इसको हम अभी काटेंगे। ये देखिए नहीं उच्ची का आ रही है, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा वो ही बस तैयार हो गया ना बस। अच्छा जेली आपको पता है कैसे बनानी है? जेली का तो तरीका डिब्बे पे लिखा होता है कि पानी, गर्म पानी में घोल के उसको तैयार कर ले। तो जेली मैंने 3 कलर की ली है, रेड येलो ग्रीन। ठीक है आप चाहें तो कोई भी कलर की ले लें, 2 कलर की ले लें, 1 कलर एक ही ले लें, कोई मसला नहीं। अच्छा अंगूर हमने 1 कप लिए, ठीक है, और चेरी जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, आखिर में हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। और हाफ टिन हमने फ्रूट कॉकटेल का लिया, ठीक है, ये भी किस बात पे? ऐ पानी है कस्टर्ड च पाना सी ना, तो मैंने पता ही चले। अच्छा कस्टर्ड पाउडर हमने लिया 5 टेबल स्पून, और 150 ग्राम जो है ना वो चीनी लिए। चीनी हम चखेंगे पहले, देखेंगे मीठा कितना है तो कितना नहीं, फिर हम थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे कस्टर्ड में। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 5 टेबल स्पून हमने, अच्छा वो मैं बता दूँ आपको, उसमें उधर करी ज़रा कैमरा, ये ना 1.25 किलो दूध है, इसको हम बॉईल कर रहे हैं। ठीक है ये बॉईल हो रहा है, जब तक ये 5 टेबल स्पून जो है हम पानी में इसको घोल लेते हैं। अच्छा ये कौन सा फ्लेवर है? ये मैंगो है, मैंगो कस्टर्ड है। ठीक है इसको आराम से घोल लेते हैं और फिर हम कस्टर्ड बना लेते हैं। अच्छा चीनी भी डाल देते हैं अभी से, हटो ज़रा उसमें। वैसे चीनी है नहीं, ठीक ही है ना, क्योंकि सारे फ्रूट मीठे हैं, फिर केक भी मीठा है ना। सही है, मैं सोची सा घट पावा, फिर मैं नहीं इन्नी ठीक, नहीं बहुत ही नहीं चंगी लगती। जितों चूल्हा टक 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 है देख मैं भी रिसेट किया था, सेट नहीं हुई, पता नहीं क्या है। हाँ आदत ही पै गई सनी ने पाल लिया पौने ना। अच्छा आपने मेरी रेसिपी ये पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि मेरे जो है मैं तो कराची में रहती हूँ, लेकिन जो शेफ़ मेरे बारे में बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं वो इस्लामाबाद में क्राउन प्लाजा होटल के शेफ़्स हैं, वो मेरे बारे में ना बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं, तो उनका आपने पूरी वीडियो देखनी है कि वो क्या कहते हैं। आखिर में मैं वो भी अपलोड करवा दूँगी। ठीक है जैसे ही हमने दूध को जोश आना शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह तेज़ तेज़ चम्मच से ना आपने कस्टर्ड को पका लेना है। ठीक है ये देखिए तेज़ तेज़ चम्मच से चलाएं। अच्छा वो फ्रीज़र में मैंने जो है ना व्हिप्ड क्रीम जो है ना तैयार करके पाइपिंग बैग में डाल के रखी हुई, तो वो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि किचन में थोड़ी गर्मी होती है, तो वो क्रीम जो है ना वो सही नहीं रहती, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आखिर में हम यूज़ करेंगे। व्हिप क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में डाल के न्यूज़र लगा के उसको तैयार करके रखा हुआ है। तो केक मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, व्हिप क्रीम बीट करते हुए आपको बताया हुआ, आपको सब माशाल्लाह 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 मेरी तमाम रेसिपी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो अब इसीलिए मैंने फिर जो है ना क्रीम जो है ना वो बीट करके खुद ही रख ली। मुझे पता था आप, अब माशाल्लाह बंद कर दिया मैंने चूल्हा, कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। ठीक है चल केक में चुकना सी हटी जैली में सब सैड कर, एनू भी सैड कर, फ्रूट कॉकटेल में सैड कर। बिस्मिल्लाह उसमें हैप्पी बर्थडे इतना सादा केक मेरी बर्थडे थे। हाँ तेन आजकल मैं कुछ नहीं देना क्यों? हाँ मैं तेन नाराज हाँ, बहुत मोटा तो नहीं पीस हो गया, बरीक कर ना कर ले इस तरह ना। ये देखिए थोड़ा ना इस तरह केक को चकोर काटी ला,
ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਤੇ ਕੇਕ ਆਉਣਾ, ਕਸਟਰਡ ਆਉਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਲੈ। ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਐਲ ਹੋ ਗਏ ਨੀ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੰਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੀ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ, ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਗੋਲ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਗੋਲ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਹਿਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਗੋਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਕਸਟਰਡ ਤਾਂ ਗੋਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਜਾ ਲੈਂਗੇ। ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਰਡ। ਅੱਛਾ, ਆਟਾ ਥੋੜੀ। ਚੱਲ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੋਲ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਚੱਲ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੈਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਸਟਰਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਲੀ ਉਦੋਂ ਪਾ ਲਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਏਂਗੇ? ਹਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਰੈਡ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਰ ਰੈਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਾ ਲੈਣੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਚਿੰਬੜੀ ਗਈ ਇੱਕ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸਟਰਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਤੀ ਹੂੰ। ਦੋ ਬਰਤਨੋਂ ਮੈਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਲੈਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਚਲ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਕੇਲੇ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰੂਟ ਕੋਕਟੇਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਤਹਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਪਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਕੇਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੇਕ ਹੋਰ ਪਾ, ਕੇਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਸਟਰਡ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾ। ਪਾ ਲੈ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਅੰਗੂਰ, ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚਮਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੋਤੀ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਚਲ ਫਰੂਟ ਕੋਕਟੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਲਾਸਟ? ਲਾਸਟ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜੈਲੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਗੀ, ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗਰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਸਟਰਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਭੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮ ਹਮ ਉਸਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ।
जब ठंडा हो जाएगा कस्टर्ड। ये आ जानी है ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਦੋ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਕਾਟੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੰਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਏ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਫਰਿੱਜ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਬੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਸਟਰਡ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਥੋੜੇ ਅੰਗੂਰ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਾਤੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਵਿਊਵਰਸ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾਜ਼ ਨਾਜ਼ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਹੀਨ ਖਾਨ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਾਜਿਦ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਪੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਬ ਜਬ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਤੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਭੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੋ ਹਮੇ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਤੇ ਹੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਬ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਵੋ ਲੈਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਵਿਪਡ ਕਰੀਮ ਤੋ ਅਭੀ ਆਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵਿਪਡ ਕਰੀਮ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਿੰਗ ਬੈਗ ਮੇਂ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ਲ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਕੋ ਹਮ ਜੈਸਾ ਵੀ ਆਪ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾਲੀ ਆ ਗਈ ਉਤਰ ਜਾ ਉਹ ਜੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਬਣੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿਮੜ ਗਈ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣੇ ਹੈ ਚੁਣੇ ਉਹ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਟੂਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਕੀਰ ਪਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਕਰੀਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਫੁੱਲ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਚਲ ਅਤੇ ਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਖੈਰ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਉੱਟੇ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿਉ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ
ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ठीक है, आपने हमारी बातें भी इंजॉय की होंगी। हम ऐसे ही बातें करते रहते हैं और इसी तरह हम काम करते हैं ताकि काम का पता ना चले, ठीक है। और जरूर ट्राई करना है और मुझे दुआ में जरूर याद रखना है। पंजाबी च मैं की दसा, कस्टर्ड ही तो बनाया तो कस्टर्ड बनाया मैं, पंजाबी दस लगी हाँ। कस्टर्ड बनाया मैं 1.25 किलो तकरीबन दुध लिया, पानी च बेसन, बेसन नहीं पानी च मैं कस्टर्ड पाउडर 5 चमचे लैके ना पानी च घोल लिया सी, ठीक है। चीनी पाई 150 ग्राम, चीनी अपनी मर्जी के मुताबिक तुसी 200 ग्राम भी लै सकते हो, तो ज़्यादा मिठा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है अगर तुसी अच्छा खाते हो मिठा। तो अच्छा चीनी पा के ते दूध काढ़ के ते मैं विच कस्टर्ड पाउडर पाया, तो नाल ही वह गाढ़ा जिहा बना लैना कस्टर्ड। केक मैं तुहाडे सामने बनाया सी, केक के पीसिस थले रखने ने, कस्टर्ड पाने ते जिहड़ा मर्जी तुसी फ्रूट पाओ। मैं तो सेब केले भी पा लई सी लेकिन वह काले हो जाते ना तो बुरा लगता, फिर मैं नहीं पाया। तो इंजॉय करो, ओके अल्लाह पीस। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।